पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मानहानि के केस में बुरी तरह उलझे नजर आ रहे हैं। 4 साल पुराने एक मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ग्वालियर कोर्ट पहुंचे। बता दें कि वे पिछली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हो पाए थे। कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से चर्चा की, जहां पर पीएम मोदी के एमपी दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मेरा आज अदालत में एक पेशी है, उसमें हाजिरी लगाकर वहाँ से जब छुट्टी मिलेगी तो जन आक्रोश रैली में शामिल होऊंगा डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को मुझे झूठे प्रकरणों में फंसाने की उनकी आदत है। झूठे मेरे बयान को टेम्पर करके में गलत तरीके से पेश करने की उनकी आदत है। और यही नहीं है, अनेक जगह पर मेरे खिलाफ झूठे प्रकरण बना रहे हैं और आज तक किसी मानहानि के प्रकरण में मुझे सजा नहीं मिली है, ना मुझे दोषी पाया गया है।